क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी ने बचाई अपने भक्त रविशंकर की जान, और फिर जो हुआ उसे सबकी आंखें फटी रह गई। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रविशंकर के साथ हुई हनुमान जी के एक चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हनुमान जी के चमत्कारों पर विश्वास करने लगेंगे और आपको भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में आज भी हनुमान जी अजर और अमर हैं और वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में चले आते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार उस दिन रविशंकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी श्रद्धा भी हनुमान जी के प्रति कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों रविशंकर जी जो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो रोज सुबह शाम हनुमान जी की पूजा पाठ करते थे। रविशंकर जी ने बताया कि वो राजस्थान के चारू जिले के रहने वाले हैं। बात उस समय की है जब उनके बड़े पुत्र ने उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया था और ये सब देखकर रविशंकर जी बहुत परेशान हो गए। इसके बाद रविशंकर जी ने सालासर बालाजी जाने का निर्णय लिया। रविशंकर जी अपने दुखी मन से सालासर बालाजी की तरफ निकल पड़े और वो उसी समय निकले जब सालासर में अश्विन पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर जिसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है और दूर दराज से लोग यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। जब रविशंकर जी मंदिर की ओर जा रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और वो खाई में लटक गए। रविशंकर जी जोर जोर से आवाज लगाने लगे कि मेरी कोई मदद करो, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रविशंकर जी 5 मिनट तक वहीं पर लटके रहे, जिसके बाद रविशंकर जी सोचने लगे कि मेरा मरना तय है। और उसी वक्त रविशंकर जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रविशंकर जी ने हनुमान चालीसा की कुछ चौपाई का जाप किया तो वहां पर अचानक से वानर सेना प्रकट हो गई। ये देखकर रविशंकर जी बहुत घबरा गए और जोर जोर से हनुमान जी के नाम का जाप करने लगे। तभी वानर सेना ने मिलकर रविशंकर को अपनी ओर खींचकर रोड के किनारे बैठाकर चले गए। ये सब देखकर रविशंकर जी की आंखों में आंसू आ गए और हनुमान जी का दिल से धन्यवाद किया और कहने लगे, हे प्रभु, आज आप कोई चमत्कार नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपकी लीला अपरंपार है, आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते हो। रविशंकर जी खुशी खुशी सालासर बालाजी गए और वहां पर हनुमान जी के दर्शन किए और साथ ही नारियल और लड्डू हनुमान जी को चढ़ाए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे स्वयं हनुमान जी ने वानर रूप लेकर अपने भक्त रविशंकर की जान बचाई। दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा भक्त होता है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त के सामने हार मान लेते हैं।